बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 22 किया था, ये आप लोग देख रहे हैं प्रश्न संग्रह 22, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग सॉरी प्रश्न पाठ 5वें का परिमेय संख्याओं तथा उन पर आधारित संक्रियाएं, समझ में आया? इसका प्रश्न संग्रह 23 करेंगे। आप लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पर है प्रश्न संग्रह 23 करेंगे बच्चों, प्रश्न संग्रह 23। मैं कॉपी खोल रहा हूँ, प्रश्न संग्रह 23 करेंगे। आप लोग देखिए बच्चों, कैमरे में ये दिखाई दे रहा है, प्रश्न संग्रह 23। प्रश्न क्या है पहले वो देख लीजिए। नीचे दी गई दो संख्याओं के मध्य आने वाली तीन परिमेय संख्याएं लिखो। प्रश्न संग्रह 23 का प्रश्न नंबर 1। आप लोगों को दो परिमेय संख्या दी गई है, 2/7, 6/7, इसके बीच में, इसके मध्य में आने वाली संख्याएं लिखना है। तो 2 के बाद आप लोग मध्य में आने वाली तीन परिमेय संख्या लिखना है। तो मध्य में आने वाली तीन परिमेय संख्या, इसके मध्य में जो आएगी, समझ में आया? हम लोग प्रश्न संग्रह 22 कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। परिमेय संख्या जो आएगी, प्रश्न संग्रह 23 कर रहे हैं, 23 के मध्य में जो भी संख्या आएगी वह होगी 3 है, 3 लिखना है। तो 2 के आगे लिख देंगे 3/7, 4/7 और 5/7, ये तीन उसके मध्य में आने वाली संख्या है क्रमशः। दूसरा सवाल, 4/5 2/3, मध्य में आने वाली तीन परिमेय संख्या, प्रश्न संग्रह 23। बच्चों यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको हम लोग 5 और 3 को समहर कर लेंगे। तो 4/5 × 6/6, 4/5, और इधर 2/3 है तो इसको भी समहर कर लेंगे, इधर 10 और इधर 10, तो ये हो जाएगा 4×6 = 24/30, और ये संख्या हो जाएगी 20/30। बच्चों 20 और 24 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है तो आपको मालूम ही है, 3 मध्य में आने वाली संख्या, 3 मध्य में आने वाली संख्या, आने 3 मध्य में आने वाली संख्या, आने वाली संख्या तीन मध्य में आने वाली संख्या 20, 20 के बाद हो जाएगा, तीन मध्य में आने वाली संख्या 21/30, 22/30, 23/30। बच्चों तीसरा सवाल, हम लोग प्रत्येक परिमेय संख्याओं के जो मध्य में आने वाली संख्याएं हैं उसको लिखेंगे, 2/3, 4/5, ठीक है। अब इसको समहर करेंगे तो इसको 5 से गुणा, इसको ऊपर भी 5 से गुणा। बच्चों नियम है परिमेय संख्याओं में, यदि हर में कोई संख्या से नवीन गुणा करते हैं तो अंश में भी उसका गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 10/15। एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या है 4/5,
नीचे 3 से गुणा, ऊपर 3 से गुणा, तो ये हो गया 12, ये हो गया 15, तो ऋण 12 और ऋण 10। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल 2/3, 4/5, 3 चौक 12, 5 3 15, 2 5 6 10, सॉरी 2 के मध्य में आने वाली संख्या आप लोग समझ ही सकते हैं, 10 और 12 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं मध्य में आने वाली संख्याएं। तो ये मध्य में आने वाली संख्याएं 10 और 12 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, तो 9 भी आ सकती है, 7 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। ठीक है, 8, 9, 10, 11 भी आएगा, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 ही लिखना है। तो 15/15/15, ठीक है, ये तीसरी संख्या होगी। अब मैं आधा आधा कर लेता हूँ, 3 हो गया, 3 के बाद चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है बच्चों, आप लोग कैमरे में देख रहे हैं, 7/9, ऋण 5/9, 7/9, 5/9, ठीक है। तो चौथा प्रश्न, मध्य में आने वाली संख्या जो मध्य में आएगी संख्या वह हो जाएगा 6/9, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, 0 और 4/9, ये भी ठीक है। पांचवा सवाल आप लोग देख रहे हैं, ऋण 3/4, 5/4, मध्य में आने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी। पांचवा सवाल है, ऋण 2/4, 3 से छोटा, फिर धन वाली भी संख्या ले सकते हो जो 5 से छोटी हो, 1/4, 3/4, कुछ भी जो आपकी मर्जी में है, सिर्फ ऋण 3 और 5 के मध्य में होना चाहिए। छठा सवाल, 7/8, 5/3, इसमें हर को समान करेंगे, 3 का गुणा इसमें कर देंगे 24, 8 का गुणा इसमें कर देंगे 24, 3 7 21, 3 8 24, 8 5 40, 8 3 24। अब 21 और 40 के बीच में तो बहुत सारी संख्या आ जाएंगी, जैसे 17 आ गई, 11 आ गया, ऋण 13, कुछ भी सातवीं संख्या, 5/7, 11/7, 7/7 है तो 5 के बीच में कुछ भी आ जाएगा, 6, 8, 9/7, 7/7, 7 सातवां, और फिर है आठवां। आठवां आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये पूरा दिखाई दिया, चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर आठवां। आठवां है 0, ऋण 3/4, ठीक है,
आठवां है जीरो ऋण तीन बटा छः, तो इसका ऋण एक भी आ सकता है, तीन से छोटा मतलब तीन से बड़ा ऋण एक, फिर ऋण दो भी आ सकता है, ऋण दो के बाद ऋण पांच भी आ सकता है। बटे आठ कर दो, बटे आठ बटे आठ, इसमें दो से गुणा, इसमें दो से, और ये तो जीरो ही है, तीन दूनी छः, तो छः के अंदर ऋण पाँच दो और ऋण एक, ये मध्य वाली संख्या है। ठीक है बच्चों, इस तरह हम लोगों ने प्रसंग 23 कर लिया। दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, दो परिमेय संख्याएं जब दी गई हैं तो मध्य में आने वाली तीन संख्या, समझ में आ गया, ये आप लोगों ने देख लिया, ये अच्छी तरह देख रहे हैं आप लोग, ठीक, इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया होगा। आज हम लोग प्रश्नग्रह 23 बढ़िया से कर लिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नग्रह 24। तब तक के लिए बाय।